जुलकर नैन ये सवाल करते हैं जिन कपड़ों में हम बिस्तरी की हो गसल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहनना क्या जायज़ हैं रहनुमाई फरमाएं भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम बिस्तरी करने से कपड़े नापाक हो जाते हैं इसी तरह बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं क्या हम बिस्तरी करने से बेड शीट ये तमाम कपड़े नापाक हो जाते हैं तो याद रखिएगा हम बिस्तरी करने से कपड़े नापाक नहीं होते कपड़ा उस वक़्त नापाक होगा जब उसके ऊपर नजासत नापाकी लगेगी तो तो वो कपड़ा नापाक कहलाएगा लेकिन अगर नापाकी नजासत नहीं लगी तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा वो कपड़ा पाक है यानी मियाँ बीवी ने मिलाप किया इस दौरान जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे अगर उनके ऊपर किसी किस्म की कोई नजासत नापाकी लग गई तो वो कपड़े नापाक हो जाएंगे उनका पाक करना जरूरी है लेकिन अगर उनके ऊपर किसी किस्म की कोई नजासत नापाकी नहीं लगी तो वो कपड़े पाक हैं गुसल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहन लेना ये बिल्कुल जायज़ हैं वो कपड़े पाक हैं और उन कपड़ों को पहन कर नमाज इबादत वगैरह करना ये बिल्कुल जायज़ है बाज़ लोग इस हवाले से बहुत सारी ग़लत फहमियों का शिकार हैं बाज़ लोग ये समझते हैं कि इससे बेड शीट यो लिहाफ ओढ़ रखा था जो भी कपड़े इस दौरान थे वो तमाम के तमाम नापाक हो गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कपड़ा उस वक़्त नापाक होगा जब उसके ऊपर नापाकी नजास्त लगेगी ठीक है और बाद लोग ये समझते हैं कि नापाक जिसम पर अगर कपड़े पहन लिए पाक तो वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है नापाक लगने से निजाशत लगने से वो कपड़ा नापाक होगा वरना वो कपड़ा पाक ही है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं